27 मई को दिन हमारे एलबी नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट में दो इंसिडेंट नमूद हुए थे। पहला जो हादसा था उसमें एक मंसूराबाद में एक किराना शॉप वाले के पास में तीन लोग आके अंग्रेजी में बात किया, उन्होंने कि उनके पास में डॉलर है अमेरिका के और वो डॉलर उनको इंडियन रुपीज में एक्सचेंज चाहिए करके। तो बात करते समय जो दुकान का ओनर था उसको बिजी रख के उन्होंने उसके काउंटर से 30,000 रुपीज अटेंशन डाइवर्शन करके वो लोग लेके गए। दूसरा जो हादसा था, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, वो सागर क्रॉस रोड पे एक ऑयल का शॉप है, इंजन ऑयल कैस्ट्रॉल कंपनी का, वो जब इंजन ऑयल चेंज कर रहा था वहाँ उसके पास ये लोग जाके सेम उसको भी अमेरिका डॉलर दिखा के हम लोग को इंडियन रुपी चाहिए बोल के उसने जब अपने पास से पैसे उनको दिए तो पैसे काउंट करते समय चुका के वो ले लिए, इसलिए उसमें 22,000 रुपये कम है। तो दो केसेस हमारे एलबी नगर पुलिस स्टेशन में नमूद हुए थे। तो इमीडिएटली हमारे एलबी नगर के लॉ एंड ऑर्डर क्राइम पुलिस और सीसीएस पुलिस इन लोगों ने एक गैंग के बारे में उन्होंने तहकीकात शुरू की और आज सुबह हमारे एलबी नगर की ये टीम ने सागर क्रॉस रोड पे ये लोगों को हिरासत में ले लिया। ये जो तीन लोग हैं वो भारत के नहीं तो ईरान देश के रहवासी हैं। उसमें से एक्यूज नंबर तीन असीर नासिर अबीदी करके, ये जो बंदा है ये 18 महीना पहले यूएन वीजा पे दिल्ली आया था और बाकी जो दो शख्स हैं वो मोहम्मद हुसैन A1 और वहीद रजा A2, ये 6-7 महीने पहले दिल्ली आए। वहाँ से अप्रैल महीना में ये लोग हैदराबाद में आके टोली चौकी एरिया में पैरामाउंट कॉलोनी में उन्होंने एक मकान किराया पे लिया है और वहाँ से ये हरकतें पूरे कर रहे हैं। अभी तक 5 केसेस में हमारे हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा के इन लोगों ने लोगों को फंसाया है। एलबी नगर के 2 केस के अलावा साइबराबाद नरसिंगी पुलिस स्टेशन और हैदराबाद सिटी के कारखाना पुलिस स्टेशन लिमिट में इन्होंने इसी तरह से लोगों को US डॉलर एक्सचेंज करने के लिए दिखा के उसी समय इंडियन रुपीज में से कुछ रुपये निकाल के उन्होंने इन लोगों को फंसाया। 5 केसेस में हमें ये मिले हैं 11 अमेरिकन डॉलर, 35,000 इंडियन रुपीस और एक मारुति स्विफ्ट का हमने बराबर अभी PDAC भी लगाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करने की हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा अगर कोई और हमारे आवाम से गुजारिश है, कोई और है कि जिन्होंने इस तरह से उनको फंसाया है तो वो लोग भी सामने आके अब अपने पुलिस स्टेशन में अगर FIR उन्होंने दर्ज किए तो वो केसेस में भी हम इन्वेस्टिगेशन करके उनके अमाउंट रिकवरी के लिए उनको जरूर मदद करेंगे। अच्छे काम के लिए हमारे एलबी नगर पुलिस स्टेशन के क्राइम इंस्पेक्टर, लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर, उनका टीम, CCS पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पारसारथी और उनका टीम, ACP एलबी नगर, DCP एलबी नगर संतीश सिंह और DCP क्राइम, इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑलरेडी मैंने जो टीम है तहकीकात करने वाली उनको कैश रिवार्ड से नवाजा है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.